सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी गेम्स पर स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली जेनरिक वर्कशीट नंबर 10, जो कि है क्लास 7th 8th की कॉमन वर्कशीट और सब मतलब कि डेटेड है 16th ऑफ जुलाई 2021। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी वर्कशीट। तो देखिए, अमन वॉज वेरी हैप्पी टू विजिट द कॉलोनी विद हिज अंकल। He wanted to know more about the colony. Uncle showed him the map of the colony. He asked question to Aman on the basis of the given map. Please help Aman to answer the following questions. तो अमन बहुत खुश था अपने अंकल की कॉलोनी में जाके, और वो चाहता था कि वो और जाने कॉलोनी के बारे में। तो उनके अंकल ने उसे एक मैप शो किया उस कॉलोनी का, और उसमें से कुछ आंसर्स पूछे। तो हमें हेल्प करनी है अमन की आंसर्स बताने में। तो ये रहा मैप पूरा वहाँ पे, तो मतलब इमेजिनेशन मैप, इमेजिनरी मैप। क्वेश्चन 1 देखिए, विच बिल्डिंग इज सिचुएटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ लेन 3। तो राइट हैंड साइड कौन से सिचुएटेड है? पार्क। राइट तो ये वाला होगा, तो इसलिए पार्क। लेन नंबर 3 में पार्क सिचुएटेड है, वो भी राइट साइड। नेक्स्ट देखिए, नेम द लेन विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो हमें इसमें क्या करना है, लेन का मतलब लेन का नंबर बताना है कि लेफ्ट साइड में पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट साइड में कौन सा लेन पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेन नंबर 1, तो आंसर में लिखेंगे हम लेन नंबर 1। यहाँ से लिख दीजिए लेन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर स्टैंडिंग एट मदर डेडी, प्लीज़ कलर द स्मॉलेस्ट पार्ट इन ब्लू टू स्कूल फ्रॉम दिस प्लेस इन द गिवन मैप। तो हमें इसमें क्या करना है, क्या मान लीजिए हमें मदर डेरी के पास खड़े हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पाथ को ब्लू कलर से मतलब कि मैप पे करना है ब्लू कलर से, स्कूल तक का रास्ता बताते हुए सबसे छोटा रास्ता। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे मदर डेरी पे खड़े, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो आप ऐसे कलर कर लेंगे, मतलब पूरा कलर कर लेंगे। मैप तो मैप आपको छोटा सा बनाना ही पड़ेगा वैसे भी। बाय यूजिंग हाउ मैनी वेज यू कैन रीच बैंक फ्रॉम पुलिस स्टेशन, मेंशन एनी 2 वेज। तो हमें इसमें क्या करना है, हम कितने वेज से पहुंच सकते हैं पुलिस स्टेशन, हमें मेंशन करना है 2 वेज। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से देखिए, बैंक से पुलिस स्टेशन तक का हमें रास्ता बताना है। तो ये देखिए मैप में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पहुँच गए फर्स्ट, और एक और साइड से पहुँच सकते हैं यहाँ पे सेकंड। तो ये 2 इजीएस्ट वेज थे, मगर हम चाहे तो और कई रास्तों से जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से तीसरा रास्ता, और यहाँ से भी देख सकते हैं ये चौथा, यहाँ से भी देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ पांचवा, एक मिनट, हाँ यहाँ से, यहाँ से हम जाते जाते पहुँच सकते हैं। तो 5 वेज टोटल हो सकते हैं। तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे, 5 वेज आई कैन रीच बैंक फ्रॉम पुलिस स्टेशन। तो इतना आप आंसर लिख देंगे। तो हमें 2 इजीएस्ट वेज बताने, मेंशन करने। तो आइए हमें कैसे मेंशन करेंगे नोटबुक पे, तो आइए करते हैं उसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं लेन नंबर 5, लेन नंबर 2, लेन नंबर 6 से हम बैंक पहुँच सकते हैं पुलिस स्टेशन से। और नेक्स्ट देखिए, पुलिस स्टेशन से बैंक पहुँचने तक का लेन नंबर 5, लेन नंबर 3, लेन नंबर 6। तो यहाँ से यहाँ तक हम बैंक पहुँच सकते हैं 2 वेज से। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
draw a map giving instruction to your friend so that he reaches your house without any difficulty. तो आपको इसमें क्या करना है, एक छोटा सा मैप बना देंगे कैसा भी आपके घर का, कैसे उसके घर से आपके घर तक का. तो वो आपके घर से मतलब कि ऐसे योर्स होम लिख देंगे, मतलब कि माय होम और फ्रेंड्स होम बीच में ऐसे सर, और वहाँ पूरा रास्ता मेंशन कर सकते हैं. तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, बहुत इजी है. मैप बना के आपको अपने घर का खुद का मैप बनाना है, ज़रूरी नहीं कि आस पड़ोस का ही बना सकते हैं, अपने दूर का भी बना सकते हैं, हर जगह का बना सकते हैं आप चाहे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द पास्ट व्हाट व्हेन एवर यू विजिटेड योर नाना दादा और एनी रिलेटिव प्लेस प्लीज़ एक्सप्लेन योर एक्सपीरियंसेस. तो जब क्या आप कभी पहले अपने नाना दादा या फिर किसी भी रिलेटिव के घर गए हैं तो अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना है कि आपने कितना फ़न किया, कितने मज़े किए. तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है, कॉमन वर्कशीट. तो वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू एंड बाय.